नमस्कार दोस्तों, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 29th of November 2022। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 106.18। लास्ट नाइट ड्यूरिंग यूएस मार्केट ये ऊपर गया था 106.66, पुल बैक कई किया था लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रो नहीं है। दैट बीइंग द केस अभी हमें देखना है कि क्या ये 105.40 के नीचे जाता है या नहीं जाता है। अगर जाता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए हेल्दी ट्रेंड बिकॉज लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस विल बी इन प्रोसेस। डॉलर रुपी 81.62। सरप्राइजिंगली आपका डॉलर इंडेक्स में आप देखोगे कि इतना मूवमेंट हो गया फ्रॉम 21st नवम्बर। जीबीपी डॉलर में आप देखोगे फ्रॉम 21st नवंबर, 21st नवंबर से जीबीपी डॉलर कहां तक चला गया था। यूरो डॉलर आप देखो 21st नवंबर से कहां तक चला गया है। डॉलर येन आप देखो 21st नवंबर से कहां तक आ गया है। लेकिन डॉलर रुपी ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दैट इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ सस्पिशन। What sort of suspicion? Is there any reserve building exercise going on? वो हमें पता नहीं चलेगा। Only concerned people can confirm, but whether they will confirm it or not, that is a million dollar question. So अभी रुपी जो है ये अटक गया है आपका 81.40-85 on the lower side and 81.95 से 82.00 इस range में। Let the rupee to break out of this particular range, then and only then we can expect some healthy movement. GBP dollar अभी है 1.2012। ये देखो कल जब हमने एनालिसिस किया था तब हमारा एनालिसिस ये था कि प्राइस जो है थोड़ा सा रिट्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर बैंड। वो कल एक रिट्रेस किया है, अभी हमें देखना है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। GBP INR में सिमिलरली कल का जो मॉर्निंग एनालिसिस था आप वहां पे देखोगे कि हमने ये आशा किया था कि प्राइस टूवर्ड्स सेंटर बैंड में मूव करेगा। तो वहां पे आप देखोगे कि 98.69 से ये 97.70 यानी एक रुपया नीचे आ चुका था ड्यूरिंग कल के ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। अभी हमें देखना है कि ये जो रिट्रेसमेंट या करेक्शन है इज इट डन और थोड़ा रिट्रेसमेंट बाकी है, ये हमें प्राइस सेक्शन से लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं। यूरो डॉलर में भी सिमिलरली कल एक देखोगे एक रिट्रेसमेंट आया था, अभी है आपका 1.0386। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करना चाहिए। यूरो आईएनआर पे 84.77 है, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट के बाद रिट्रेसमेंट आया था 84.50 तक, अभी है 84.78। That being the case, whether that retracement is done or अभी भी थोड़ा retracement बाकी है, only the time will tell, price action हमें carefully monitor करना है। Dollar, yen, ये जो support level है, यहाँ पे hesitate कर रहा है, कल एक pin bar बनाया हुआ है। ये pin bar के high के ऊपर हम थोड़ा हल्का सा correction, upward correction हम expect कर सकते हैं and below the low एक sell off हम expect कर सकते हैं। Something like this, इसके नीचे एक तगड़ा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डॉलर येन येन आईएनआर में सिमिलरली कल एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, इन्वर्टेड पिन बार का इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, इसके हाई के ऊपर एक कंटिन्यूएशन एंड लो के नीचे थोड़ा सा हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लो ऑफ द पिन बार कैंडल, कल का जो कैंडल है उसके लो के नीचे हम थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हल्का सा। देन डॉलर कैंडी अभी है 1.3433। ये देखिए रिट्रेसमेंट देखिए कहां तक गया है 1.35, यहां पे 1.35 के ऊपर क्या ये बिहेव करेगा या नीचे रिट्रेस करेगा वो हमारा एक्सपेक्टेशंस था। एंड अभी हमने ड्यूरिंग द डे जो है अभी तक का जो प्राइस एक्शन है वहां पे 1.3433 आया हुआ है, यानी ये 1.35 इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस जोन। ऑसी डॉलर 0.6702, ये कल का मॉर्निंग एनालिसिस आप देखोगे वहां पे हम करेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे टुवर्ड्स द सेंटर बैंड, वैसा ही आया 0.6653। ये जो करेक्शन है इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली सेंटर बैंड तक आएगा, बट नजदीक आ सकता है। दिट गिव्स एन आउटलाइन कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर सकता है।
सी एन एच 7.1560। यहाँ पे थोड़ा सा वो है आपका कि शांति इसीलिए है कि कल के अपवर्ड बायस के बाद कल जो आप देखोगे सी एन एच आपका 7.2557 के ऊपर हाई मार के थोड़ा सा क्लोज दिया था आपका 7.2350 पे एंड आज 7.15। दैट बीइंग द केस ऐसा लग रहा है कि चाइना का जो कोविड रिलेटेड केसेस है प्लस पब्लिक अनरेस्ट थोड़ा बहुत है वो थोड़ा सा शांत हो रहा है, इसीलिए आप चाइनीज यूआन का जो प्राइस है थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है। दैट बीइंग द केस यहां पे आप देखोगे हायर है हायर लो सॉरी लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूएशन से लेट इट टू सबसाइड, ये सॉफ्ट हो गया तो रूपी में भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूके ऑयल 85.76 कल एक पिन बार बनाया हुआ है, इट्स नॉट पिन बार इट्स अ डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी बेसिकली ग्लोबल एस्पेक्ट में हमें देखना है कि ओपेक कंट्रीज कैसे बिहेव कर रहे हैं प्लस G7 कंट्रीज रिगार्डिंग द ऑयल कैप ऑन रशिया वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, प्लस यूएस वेनेजुएला का जो रीनिगोशिएशंस हो रहा है, इतने साल ट्रंप गवर्नमेंट के टाइम में वेनेजुएला के ऊपर जबरदस्त ताबड़तोड़ रेस्ट्रिक्शंस लादा गया था, अभी क्या वो मींस ईज ऑफ करके उसको वेनेजुएला को फिर ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ करेंगे नहीं करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वो अगर अलाउ करते हैं देन ऑयल में एक सप्लाई ज्यादा मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इन सच ए केस और सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट करेंगे यूके ऑयल में। एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस जो है वो है 89.30 से 88.75 से 89.00 के बीच में, क्या वहां पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अभी है यूएस 10-year ट्रेजरी अभी है 3.711, ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि ये आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, ये अगर ऊपर की तरफ जाता है क्या ये इस हाई को 3.83 के ऊपर क्लोज देता है तो ये फिर आपका इरेटिक मूवमेंट आपका हैपाजर्ड मूवमेंट बिहेव करेगा, वॉलेटाइल चॉपी टू वे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर जाने में असमर्थ होता है तो ये एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यस 10-year ट्रेजरी। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।